अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप? सलाम, हाँ सलाम सलाम, हाँ सलाम, कैसे आप? बोला कैसे, बोला कैसे आप? ऐसा सुनने में आया गाइस मुझे। सलाम करो ऐसे, सलाम करो ऐसे, सलाम। तो गाइस इसकी अभी गुड मॉर्निंग हुई है और हमारी अभी आफ्टरनून हुई है। उज्मा गई है अभी स्कूल, घर में आजम और मेरे अलावा कोई नहीं है ना आजम और अभी रिसीव हुआ है मुझे कुछ सामान अमेजोन से, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। इन शॉर्ट ये रमज़ान का सेकेंड बाज़ार है मेरा, ग्रॉसरी बोल लो, बाज़ार बोल लो, क्योंकि इसमें भाजी भी है और घर की ज़रूरत का सामान भी है। तो आटा मिला है 5 किलो वाला पैकेट, काफ़ी टाइम के बाद मुझे दिखा तो मैंने मंगा लिया, वरना मैं वो 1-1 किलो वाले पैकेट से ही काम चला रही थी और मैं यही वाला आटा खाती हूँ। ये है एप्पल साइडर विनेगर, बहुत सुना है इसके बारे में, वेट लॉस के लिए बहुत कारगर है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन कभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था तो मैंने इसको मंगा लिया। देखेंगे जब इसके नसीब में रहेगा मैं इसको पीऊँ तो फिर पियेंगे, घर में रहेगा तो फिर कभी ना कभी तो खुलेगी बॉटल, तो ऐसा है। और ये है शक्कर, ये है मेरे आजम का वेट वाइप। ये क्या है आजम, ये क्या है माँ, का है माँ, ये अरे खोल जा। अच्छा ये केले है, जाओ ले लो, हाँ लो। ये है बेसन, ये है तेल, ये है चीकू, ये है आलू, कोतमीर, कांदा 2 किलो, 50 रुपये के 2 किलो अमेज़ॉन से मिल गए हैं। कड़ी पत्ते का पैसा लगता है अमेज़ॉन पे, लेकिन एक चीज़ रहती है कि घर में अवेलेबल रहता है, भले सूख जाता है लेकिन घर में रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब दाल के लिए खड़े हुए कड़ी पत्ता नहीं है और फिर परेशान हो जाओ कि कड़ी पत्ता नहीं है, कड़ी पत्ता नहीं है, रहता है घर में। 13 रुपये का मिला है, 13 रुपये का मंगाई। फिर एक नारियल, इसका पानी क्या निकलेगा इतने से नारियल का, उसमें को बहुत अच्छा लगता है नारियल का पानी, चाहे इसका हो चाहे फिर वो बड़े वाले को फोड़ेंगे तो पिला देंगे उसको। एक चीज़ का पैकेट 28 रुपये के 3 नींबू, बहुत महंगे पड़ गए भाई ये नींबू मेरे को, 28 रुपये के 3 नींबू, 100 ग्राम नींबू है बोलते हैं। अभी ये मैंने अमेज़ॉन से क्यों मंगाई, मैं यहाँ से क्यों नहीं मंगाई, क्योंकि आपके भाईजान के पास बिल्कुल टाइम नहीं है बाज़ार ला के देने का मुझे, रात में लेट हो जा रहा है तो फिर दुकानें सब मतलब सारे गाड़ी वाले हट जाते हैं। मैंने भाई कब से बोल रही नींबू नींबू, मैं मंगा ही लेती हूँ। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची मंगाई है, टमाटर मंगाया है, और उस आज़म के लिए जो मैं नाश्ता मंगाती हूँ ये स्लर्प का, ये वाला स्ट्रॉबेरी राइस एंड रागी विथ मिल्क और इंस्टेंट फूड। तो इस बार मैंने एक और फ्लेवर मंगाया है जो है मैंगो रागी एंड राइस विथ मिल्क। ये मैंगो रागी है, ये स्ट्रॉबेरी रागी है, ठीक है। तो ये दो मंगा दिया ताकि मेरे बच्चे को थोड़ा फ्लेवर चेंज करके खिलाऊँ आज। अच्छा है, अच्छा है, हाँ मामा जी नहीं। तो इतना सामान मैंने मंगाया गाइस, सुबह सुबह आ गया रिसीव वगैरह, रात में दी थी ऑर्डर मैंने सहरी के टाइम पे। आजम अज्जू यहाँ देखो माँ, अरे अंधेरा अंधेरा लग रहा माँ, अंधेरा लग रहा मैं एकदम एकदम अंधेरा लग रहा, शाबाश। इधर से देखो काशी, देखो काशी, देखो अशे बाबा, अशे बाबा, अरे देखो तो जरा बाबा आज। ए मेरा बच्चा मैं जा रही, बाय 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 शाला, हे शाला टकरी मेरी जान, जान जान जान। चलो गाइस ये उठा के रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। खैर वो कब मिलूँगी मुझे मालूम नहीं, कहाँ माँ कहाँ। अभी इसको मैं पहले कुछ खिला देती हूँ, इसको फ्रेश करती हूँ, फिर देखते हैं। हाँ आजम सलाम करो माँ, सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। अरे कलो सो गाइज मैं एक चीज़ तो बताना भूल ही गई आप लोगों को, मैंने ये भी मंगाया था, मैं यहाँ रख के भूल गई हूँ। ये है प्रॉन्स और ये पूरे साफ करके मिले हैं, थोड़े महंगे हैं लेकिन अच्छे हैं, रमज़ान में टाइम सेव हो सकता है। ये पूरे झींगे मिले हैं 270 रुपये के, देख सकते हैं, मैं तभी भूल गई आप लोगों को बताना, और पूरा घर राउंड मार के आ गई। आज़म के कपड़े निकाल दिए, आज़म को नहलाने पहले मालिश करूँगी फिर उसको नहलाऊँगी, नंगू पुंगू बैठा नीचे से, मैंने उसका डायपर निकाल दिया इसलिए मैं उसको छुपा रही हूँ। अब मैं उसको उसका गर्म पानी भी करने को चढ़ा दिया है, मैं पानी गर्म हो रहा है जब तक कि मैं उसकी मालिश कर दूँगी, उसके कपड़े मैंने निकाल दिए, ठीक है। ये अच्छा है, मैं फ्राई करूँगी इंशाल्लाह आज कल में ही उज़्मा के लिए, बहुत टाइम हो गया झींगे फ्राई नहीं की मैंने। वही बात होती है ना, मार्केट जाओ लेके आओ साफ करो ये करो, बहुत टाइम जाता है,
यहाँ पे थोड़ा पैसा ज्यादा गया लेकिन मुझे अच्छी क्वांटिटी मिल गई है हिसाब से, ज्यादा मेहनत नहीं होगी करने की। तो ऐसे चिकन भी खत्म हो गया, चिकन भी लाकर साफ करके रखना है। खैर अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो मैं आ गई हूँ किचन में, आप लोगों को पता है क्यों आई हूँ, डिनर और इफ्तार साथ में करेंगे। तो डिनर में आज बनेगा अंडे का बिरयानी, अंडे का बिरयानी बनेगा। वैसे देखो कल रात में जो बनाई थी वो थोड़ी सी भाजी और चावल दोनों भी है, इसको डाल रही हूँ फ्रिज में अभी, ठीक है। मैंने सुबह में गर्म किया था लेकिन तब मैंने फ्रिज में डालना भूल गई थी, तो वापस से इसको गर्म किया अभी आधा घंटा पहले। अभी ठंडा हुआ तो अब इसको डाल रही हूँ फ्रिज के अंदर, वरना मैं सुबह सुबह मैं डाल देती हूँ जो भी बचा कुचा फ्रिज के अंदर, फिर रात को निकाल के जो डिनर आज बनता उसके साथ मिला के फिर खा लेते, कभी जरूरत नहीं पड़ती है तो उस दिन नहीं खाते फिर नेक्स्ट डे खा लेते। खैर रही बात ये चीज, इसको तो भी मैं रख दूंगी। आज बनाऊंगी अंडा बिरयानी, और ये जो देखो डब्बे मैंने ये मंगाई थी ना ये छोटे वाले, तो इसमें मुझे कम पड़ रहा था तो मैंने बोली आपके भाई को लेके आना मैं जी, तो उन्होंने लेके तो आ गए, लेकिन अब सोच रही हूँ इसको रखो पाल लगाओ किधर, जगह तो फुल हो गई है, अब मेरे को एकदम वो नहीं करना, तो जरूरत के हिसाब में जब मुझे निकालना होगा तब मैं निकालूंगी। भी यार लटका हुआ था ना तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसके लिए मैं बोली चलो बता देती हूँ आप लोगों को क्या है उसके अंदर, नहीं तो आप लोगों में कुछ लोग भी सोचते हैं क्या है बाजी इतना सारा पसारा लटका के रखे, पसारा नहीं है डब्बे है। तो ऐसा खैर एकदम सिंपल बिरयानी, और हाँ इफ्तारी के अंदर आज कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं बनाऊंगी क्योंकि आपके भाईजान आने वाले है, नहीं तो झींगा जो मैंने मंगाई ना आज उसमें से कुछ झींगे मैंने नॉर्मल होने के लिए यहाँ रखे, अभी इसको मैं फ्राई कर दूंगी तो मेरी बच्ची थोड़ी खुश हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा मेहनत वाली कोई रेसिपी आज मैं बना रही नहीं, क्योंकि जब भी बनाओ इतनी मेहनत करके और आपके भाईजान रहते नहीं है तो सुस्ती फिर क्या बनाओ, मतलब कोई है नहीं खाने वाला और वो डिनर के टाइम पे आएंगे तो फिर डिनर ही करेंगे, दोनों चीज सामने रखूंगी तो या तो ये बच जाएगा या तो वो बच जाएगा, तो आज बिना मेहनत वाला उसको खुश करेंगे। झींगा फ्राई करके रख दो वो ऐसे ही खुश हो जाएगी, तो आज मैं झींगा फ्राई करने वाली हूँ। तो ऐसा, और कल जो मैंने ढोकला बनाई थी ना, हाँ हम लोग ने खाया है, हम लोग ने दो दो पीस खाए सब लोग ने, लेकिन इतना हैवी हो रहा था ना अभी ऐसा लग रहा था फिर वो खाएगा कौन, फिर रख के उसको वेस्ट करने से बेहतर है निशा आए थे तो मैंने उनको दे दी। मैं जो चीज हम लोग को मालूम है अभी ये चीज इतनी सारी बन चुकी है और वो चीज हम लोग रख कर भी नहीं खत्म कर पाएंगे तो फिर मैं दे देती हूँ। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने कभी बताई नहीं, लेकिन जो चीज हम लोग खुद के हिस्से का भी रखते है ना तो फिर वो चीज रह ही जाती है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको हम लोग को चार दिन पांच दिन के बाद खाने पड़ते हैं। तो ऐसे क्योंकि जिसको दे रहे उसको पता चल जाता है कि ये उस दिन मुझे दिए थे तो ये उसी दिन का है जो अभी ये बचा हुआ है, मैं क्यों लेके जाऊँ, ऐसा वाला शॉर्ट रहता है, तो फिर वो हमको ही खाना पड़ता है। समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना छुरी की तरह पर। तो यहाँ पे बॉयल हो रहे हमारे अंडे, अभी मैं काटने जा रही हूँ कांदे, ठीक है बिरयानी को बगाड़ देंगे ना उसके लिए, तो इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन। नमक मिर्ची और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं ऐड करती झींगे में, अगर कुछ ऐड करेंगे तो मेरे को और उज़्मा को सच में हम लोग के घर में नहीं मतलब ज़्यादा मसाला झींगे में ऐड करेंगे तो मज़ा नहीं आता। हाँ इसमें थोड़ा कलर ऐड करूँगी ज़रूर मैं, ठीक है मसाला तो सालन में ऐड होता है ऐसा, इसमें कलर ऐड करूँगी। अच्छा किसी ने मुझे बोला था आपके पास अगर ऑरेंज कलर नहीं है तो रेड कलर और लेमन येलो कलर को मिक्स करके डालो ऑरेंज हो जाएगा, तो आज मैं वही करूँगी। मैंने मसाला लगाई, ठीक है ऑन, ये अपने मसाले के डब्बे, मसाला बोली कलर के डब्बे गलती से लेके आ गए थे आपके भाईजान, जो अपने घर में रेड कलर की इतनी कोई खास जरूरत पड़ती है नहीं, तो देखो अभी रेड कलर बहुत ज्यादा गिर गया इसमें, लाल लाल हो गया देखो। वैसे सिर्फ कलर ना बहुत कम बिरयानी और फ्राई आइटम में ही डालती हूँ, ये देखो ये है लेमन येलो, कौन सा कलर है, हाँ लेमन येलो कलर ही, तो ये दोनों इतना तो एक इसका इतना से डालती मैं ऑरेंज कलर, आज दो कलर मिक्स करने के चक्कर में कितना ज्यादा कलर हो गया भाई। अब ये ऑरेंज कलर बनता क्या, बना तो सही,
पर कलर ज्यादा हो गया है भाई, बंद हो गया। ये देखो मस्त तो कलर बना एकदम, अरे कलर मस्त बना एकदम मस्त तकड़क। देखो चलो थैंक यू जिसने भी मुझे ये कमेंट किया था। वैसे तो कलर मिक्सिंग का काम बहुत अच्छा लगता है मुझे करने, लेकिन ये चीज ध्यान में नहीं आई थी उस वक्त पे, रेड एंड येलो मिक्स करेंगे तो ऑरेंज होगा, कसम से नहीं याद आया था। आपने वो चीज को कैच किया और आपने कमेंट किया, अदरवाइज मालूम है भाई कलर मिक्स करेंगे ना तो 10 कलर मिक्स करने से क्या क्या बनता है, अल्लाह के फजलो करम से इतना पता है। लेकिन बोलते ना कभी कभी तो मैं शाहरुख खान का नाम भूल जाती हूँ, शाहरुख खान, अच्छा कौन शाहरुख खान, होता है ऐसा कभी कभी माइंड में 17-60 चीजें चलती रहेगी ना, ऐसा होता है। अभी बहुत लोग बोल रही है क्या पागल जैसी बात कर रही है, शाहरुख खान का नाम भूल जाती है, ऐसा नहीं है, होता है ऐसा कभी कभी, माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है ना इंसान, जो चीज रोज सुनता है ना वो सुनने के बावजूद भी उसको ऐसा होता है ये क्या है, मतलब ये क्या है, दिमाग से इतना इस तरह से स्किप होता है। तो ऐसा खैर चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे अंडे जो है वो भी बॉईल हो गए हैं, मैंने आलू काट के ले लिया है क्योंकि बिना आलू के मजा ही नहीं आता हम लोग को। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है तो यहाँ पे मैं पहले अंडे को भी फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, वो गैस स्लो है लेकिन फिर भी जब गर्म होएगा तब मैं उसके अंदर झींगे डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। बताना पड़ता है हर वीडियो में एक एक छोटी छोटी बात, अगर भूल जाए ना तो फिर लोग है ना उसमें अरे दूसरा गैस भी बता क्या कर रहे थे तुमको इतना ये नहीं उतना नहीं, मतलब उनको मालूम नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी बता दी होती हूँ लेकिन वो लोग देखते नहीं है तो फिर कुछ भी टिप्पणियाँ करते, तो जितना बस में होता है रिपीट कर देती हूँ, जो बस में नहीं है बड़ी बड़ी बात होती है फिर वो रिपीट थोड़ी की जाती है, छोटी मोटी चलो समझ में आता है कि रिपीट कर दिए। मैंने निकाल दिया है, हल्का गोल्डन करके निकाला, ज़्यादा गोल्डन नहीं किया फिर, नहीं तो मसाले में ना उसकी पूरी पपड़िया जो है ना वो निकल जाएगी। इसके लिए और ये इतना हल्का गोल्डन करने की वजह ये है कि मसाला इसको लगे, क्योंकि प्लेन रहता तो मसाला इसको लगता नहीं है, तो इसके लिए फ्राई करते हैं अपन ताकि मसाला इसको चिपक के रखे। इसको भी फ्राई करके अभी निकालूंगी। और यहाँ पे मैंने कांदा काट के ले लिया है, मसाले निकाल के रख दिए, धनिया और कोथमीर निकाला है, उसको मेरे को अभी वो करने का काटने का है। यहाँ पे मैंने दही निकाल के रख लिया, यहाँ मैंने अदरक लहसुन निकाल के रख दिया। और यहाँ पे मेरा बेटा टीवी देख रहा है, बहुत ज़्यादा शान पत्ति करता है, देखो ये आजकल महाराजा ठाकुर बैठे हैं यहाँ पे, अरे बाप रे। हाँ आजम का मम्मा दूध पीते हाँ, बैठो बैठो आराम करो, ये गंदी आदत होती है पता है बच्चों को टीवी के पास बिठाने, लेकिन ये मजबूरी है भाई, मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूँ, यही आदत फिर आगे जाके ना बहुत परेशान भी करती है पता है मुझे, लेकिन आदत छुड़ाना तो माँ बाप को बहुत अच्छे से आता है ना। देखो मेरी बेटी को भी आदत थी लेकिन जैसे जैसे स्कूल लगती है वो लोग खुद बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में ना, तो ये सारी आदत है ना खुद ब खुद वक्त के साथ छूट जाती है। तो सारी चीज़ें फ्राई करके निकाल लिया, अब मैं उसमें डाल दूंगी कुछ गर्म मसाले, जावित्री, कमल फूल, 3 क्या बोलते हैं उसको, छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, ये मैंने ऐड कर दिया। नहीं मेरे को चटका नहीं लगना प्लीज़, मेरे को बहुत डर लगने लगा है चटके से, अब जब से ये हुआ है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको ठीक होने के लिए। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी कांदा, तो फ्राई कर लूँगी, यहाँ पे तेल गर्म हो गया। झींगे में पानी था, फ्रोजन था ना ये, तो मैंने ये सारे यहाँ पे बिछा दी। मुझे डर लग रहा था और चिट 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 उड़ रहा था, जैसे कि मैंने अभी बोला मुझे डर लग रहा है आजकल चटके से, क्योंकि चटका तो लग जाएगा जख्म तो हो जाएगा, लेकिन वो जख्म में काम अपने कुछ करने का है ना, तो फिर कोशिश करो बिना चटका लगे के काम करने, डरो चलेगा डरो। मेरे को डर लग रहा है ठीक है, मेरे को ये बार बार, मैं उस वक्त ना हाथ कंटिन्यू चालू था, भले वो कितना भी बड़ा जख्म हुआ था, एक दिन ऐसा नहीं था कि हाथ नहीं हिल रहा बिल्कुल कलाई के पास, इसलिए इतना टाइम लगा मुझे वो ठीक होने के लिए।
अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। क्या हुआ आजम को? आजम बात कर रहा लगता टीवी से। मैंने तेल कम कर दिया था इसमें से, इसमें से तेल निकाल के मैंने ये फ्राई किया। अदरक लहसुन ऐड कर दिया मैंने इसमें। अलार्म भी बज गया मेरी बेटी के आने का। कोई बात नहीं, अदरक लहसुन को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे ये भी पक रहा है। ये इसको बार बार नहीं पलटी करने का, पीछे का एक साइड का पकने के बाद फिर एक साथ पलटी करूंगी इसको मैं। एक 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 करके पलटना पड़ता है उसको, तब जाके अच्छा बनता है। अब डालूंगी ये भुक्की मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया, हल्दी, कुछ झटकती हूँ। डाल देंगे टमाटर। टमाटर का पानी छूटेगा ना, मसाला लगेगा। मैंने ना गैस बदला और फास्ट आंच वाली गैस पे ना मैंने झींगे फ्राई करके निकाल दिए, ठीक है। और अभी स्लो आंच पे ही है, बस टमाटर गल गया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये पुदीना, थोड़ा सी पुदीना ऊपर से ऐड करूँगी, और कोथमीर सब ऐड करके अच्छे से मिलाऊंगी। और इसके अंदर ऐड कर दूँगी अभी दही। ये वाली इसको फेंटना बाकी है, मैं फेंट लेती हूँ इसको। से हिलाते हिलाते पकाएंगे। यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया। चावल के अंदर गरम मसाला, एक नींबू का आधा छिलका डाली हूँ, और उसका रस मैंने निकाल के रखा, ऊपर से डालेंगे, ठीक है। और क्या, हाँ बस इसमें नमक डालना है, बात बाकी है। चावल बॉईल हो जाएगा तो बस क्या, 5 मिनट का काम। मैंने आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया अफ्तारी में, पता है ना आप लोगों को, बस फ्रूट रहेंगे और झींगा फ्राई रहेगा बस, और कुछ भी नहीं। हाँ 2 मिनट आ गई है उसमें। सो गाइज, अभी मैं इसका गैस बंद कर दूंगी। जब चावल बॉईल होएंगे उसको छान के, फिर बाद में इसमें डालने के बाद जब गार्निशिंग वगैरह हो जाएगी तब दम का गैस मैं वापस चालू करूंगी। अभी के लिए मैं फिलहाल इसको बंद कर रही हूँ, इसको ढकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते किचन की हालत कुछ ऐसी है, तो मैं इसको अभी साफ करूंगी और इफ्तारी काटूंगी। तो चावल तो 80% कुक हो गया, 70% कुक हो गया। अब इसके अंदर ठंडा पानी ऐड करेंगे और इसको निथार देंगे। निथारने के लिए मैंने लिया है ये वाली जाली, इसके अंदर निथार देंगे। कौन तो भी मेरी मदद कर रहा है, रोजन उठाना और रखकर देकर रखना मेरा ही काम है। हाँ, इफ्तारी रखना और दस्तर उठाना, हाँ ये उज्मा का काम है। चलो गाइस, अब पानी की बोतल लेके जा, तू दस्तर से जा, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में आ रही हूँ। ओके, फालूदा ना करो। क्या झींगे के साथ फालूदा नहीं होता, क्योंकि वो दूध का है ना, दूध नहीं होता, मतलब नहीं खा सकते। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, आ एडजस्ट कर लो पूरा फुल बोतल लेकर। हाँ, एक गिलास भी ले लो। तो गाइस, ये मैंने चावल भी जा दी, ये ना 30% बाकी है, इसको स्लो आंच पे रखेंगे, एकदम बारीकी में आंच पे, जैसे हम लोग चावल दम करते बस वैसा आंच, और कुछ भी नहीं करना। ये गया हमारा फूड कलर, लास्ट टाइम तो फूड कलर था ही नहीं, अच्छा हुआ, थैंक यू, बार बार थैंक यू बोलूंगी। वो कलर कम से कम रेड वाला खत्म हो जाएगा इसी तिगड़म लगा लगा। ये हमारा नींबू का रस, ठीक है, ये हमारे कोथमीर, ये हमारे पुदीने, और खाने में क्या बन रहा है तुझे पता है? क्या खाने में बन रहा है? अंडे की बिरयानी। बिरयानी? हाँ, बिरयानी होता है ना, अंडे की बिरयानी बना रही आपने। आई क्या आई, पहले खाई नहीं है क्या? सो गाइस, ये हो गया, अब मैं इसको ढक दूंगी।
सो गाइस केवड़ा वाटर है नहीं अभी, तो मैं इसको ऐसे ही ढाक दूंगी और 10 मिनट स्लो आंच पे पकाऊंगी, बस ये रेडी हो जाएगी। मसाला अपना पका हुआ है, चावल अपना 70% कुक है, तो इतना कोई तामझाम वाला काम नहीं है, सिंपल स्लो दम देना। बैठ उसमें, आ जा, छोड़ दे उसको, हाँ दुआ कर, दुआ फतकबल फतकबल मिन्नी, पहले चल पकड़। ये खजूर लेने का तरीका हुआ उसमें नॉर्मल। हाँ सो गाइज मैंने ना उसको तवे पे रख दिया क्योंकि मुझे याद आ गया लास्ट टाइम मेरा मसाला नीचे से लगा था, इसका तला बहुत पतला है, तो इसके लिए मैंने इसको तवे पे रख दिया। याद होगा आप लोगों को चिकन की बिरयानी मेरी लग गई थी, है ना, तो ऐसे। आह टमाटर आजम का फेवरेट है, आह टमाटर बड़े मज़ेदार, आह टमाटर बड़े मज़ेदार, ओ टमाटर बड़े मज़ेदार। कहाँ मम्मा आजम, टीवी का रिमोट कहाँ है? हाँ बेटा तो गाइस मेरी बिरयानी हो गई है तैयार और मुझे कसम से लगी है बहुत तगड़ी भूख, क्योंकि आज आप लोगों को पता है इफ्तारी में कुछ ज्यादा खास था नहीं, मतलब ज्यादा वैरायटी थी नहीं, तो मुझे लगी है भूख और मैं जा रही हूँ खाना खाने। आइए आप लोग भी खाना खाने। ओ हो माशाल्लाह ये देखो ये है अपना अंडा, ये अरे वाह, मैं पहले मैं एक फोटो खींच लेती हूँ, मैं फिर खाना निकालती हूँ खुद के लिए। तो ये रहा मेरा मसाला माशाल्लाह आज मैं सबसे पहले खाना खा रही हूँ, वाह 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 वाह। नहीं यार मैं थोड़ा सी टेस्ट करूंगी, पूरा नहीं खाऊंगी, मुझे खुद बहुत वो हो रहा है कि कैसे बना होगा ये, कढ़ाई में लास्ट टाइम जल गया था ना, देखो आज नहीं जला माशाल्लाह से, मसाला भी देख सकते हैं, है ना, क्या मालूम मेरा कैमरा क्यों इतना ब्लर ब्लर करता है यार। सो गाइस चलिए एक आलू भी ले लेती हूँ, ये देखिए आलू भी मस्त गल गया। ओ हो ये वही ना बात, चावल देख रहे हो आप लोग, चावल माशाल्लाह। आइए गाइस आप लोग को खाना खाने के लिए, मैं थोड़ा लिया अंडा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं उसको आधा कर देती हूँ। मैं टेस्ट कर रही हूँ एक्चुअली मैं बनी कैसी है, और मुझे रहा भी नहीं जा रहा है। देखो मैंने ना आप लोगों को दिखाने बिरयानी ऐसे लेके नहीं खाते, बिरयानी एक साफ प्लेट में मस्त चावल, चावल का मसाला, जो भी अंडा चिकन जिसकी भी बिरयानी साइड में लोग साफ प्लेट में खाते, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के चक्कर में आलू गला, अंडा देखो, मसाला देखो, मैं प्लेट इतनी गंदी हो गई। चलो खैर कोई नहीं, उसमें टेस्ट कर, करती कराओ देखने वाला। आओ गाइस आप लोग खाना खाने, मैं तो खा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह एक नंबर बिरयानी बनी, अभी मैंने बनाई और मैं बोलूंगी तो आप लोगों को ऐसे ही लगेगा, इसलिए मैं अपने खाने की कभी तारीफ नहीं करती हूँ, बहुत कम बहुत रेयर, जो एक्सपेक्ट करके बनाती हूँ ना बस वो टेस्ट मैच हो जाए, और वैसा टेस्ट जो है ना मैच हो गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत मस्त बनी है माशाल्लाह, ट्राई करना आप लोग को। एक बार मैंने कुकर में भी बनाई थी, वो अलग थी, अलग है। आइए फिर से आइए खाना खाने। बुक कंप्लीट कर करो।